तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर कमल पांडे और आज मैं अपना दूसरा लेक्चर लेकर के आया हूं। पहले वाले लेक्चर में हमने पूरा बूलियन अलजेब्रा आपको बता दिया था, सारी उसकी थ्योरम्स बता दी थी और आज हम कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिज़ाइन शुरुआत करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक में सर्किट दो तरह के होते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और सिक्वेंशियल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट वो होते हैं जिनमें कि जो आउटपुट होता है वो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है, लेकिन जो सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं उनमें जो आउटपुट होता है वो प्रेजेंट इनपुट पर तो डिपेंड करता ही करता है, उसके अलावा जो पास्ट में इनपुट की हिस्ट्री थी उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसको हम सिक्वेंशियल सर्किट्स में फ्लिप फ्लॉप्स एंड मेमोरी होती है, इसको आगे पढ़ेंगे। पहले हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को पढ़ते हैं। तो कॉम्बिनेशन सर्किट्स में सबसे पहले हमारे पास समस्या है कि किसी भी सर्किट को, किसी भी एक्सप्रेशन को हम लॉजिक सर्किट कैसे बनाएं। कोई भी ट्रुथ टेबल है, हमें कोई मनचाहा ट्रुथ टेबल है, हम चाहते हैं कि हमारा सर्किट ये फंक्शन करे, तो हम अब उसका एक सर्किट बनाएंगे एंड आर नॉट या नैंड नॉर गेट को मिला करके, और वो अपना डिजायर्ड वर्क करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो रिप्रेजेंटेशन हैं। तो पहली बात तो हम है कि हम सिंप्लीफाई करना सीखेंगे KMF से, मैकलस्की मेथड से, लेकिन उससे पहले हम शुरुआत करेंगे कि दो मेथड, स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम्स। तो हम कॉम्बिनेशनल सर्किट की शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हैं रिप्रेजेंटेशन के। वो दो तरीके कौन से हैं? पहला है सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी इसको हम बोलते हैं SOP रिप्रेजेंटेशन। और दूसरा तरीका जो हमारे पास है वो है प्रोडक्ट ऑफ सम्स, प्रोडक्ट ऑफ सम्स यानी POS। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट की और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम को। जैसा कि इसके नाम से ही पता है कि कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन है वो दो तरीके से रिप्रेजेंट होगा, या तो सम ऑफ प्रोडक्ट होगा या तो प्रोडक्ट ऑफ सम होगा। अब सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, फंडामेंटल प्रोडक्ट, और उनका हम सम कर लेते हैं। यानी प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि एंडेड होगा और लास्ट में हम उनको क्या कर देंगे, सम का मतलब क्या है, ऑर्ड कर देंगे, यानी एंडेड एंड देन ऑर्ड, सम ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पर कोई भी ट्रुथ टेबल दी है उसके करेस्पॉन्डिंग हमको लॉजिक सर्किट बनाना है, या कोई एक्सप्रेशन दिया है, ट्रुथ टेबल से एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे। तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट को। तो मान लिया कि यहाँ पर हमको एक ट्रुथ टेबल दी है, ट्रुथ टेबल टू लॉजिक सर्किट, हम कैसे जाएंगे, ट्रुथ टेबल टू लॉजिक सर्किट। अब मान लिया कि हमारे पास थ्री इनपुट हैं A, B, C, और ये हमारे पास कोई टेबल है और ये हमारा आउटपुट है। तो ए हमारा आउटपुट है, 0, 0, 0 पे मान लिया 1 मिलता है, 0, 0, 1, और ये हो गया 0, 1, 0, ये हो गया 0, 1, 1, और ये हमारा हो गया 1, 0, 0, मान लिया यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 मिलता है और यहाँ पर 1 मिलता है, और इसके आगे इनपुट लेंगे। तो हमें निकालना है सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड से, इसके लिए बूलियन एक्सप्रेशन फिर उसका लॉजिक सर्किट बनाना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 1 किन आउटपुट पे है। जैसे देखिए यहाँ पे 1 है उसको सर्किल कर लिया, यहाँ पर 1 है उसको सर्किल कर लिया, यहाँ पर 1 है उसको सर्किल कर लिया, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या करना है, प्रोडक्ट का सम करना है। तो अगर प्रोडक्ट 0 हो जाता है, तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा तब हम उसको आउटपुट में क्यों लिखेंगे। तो आउटपुट तो हमें केवल वहीं मिलेगा जहां आउटपुट में 1 होगा। तो हम आउटपुट देखें, वाई जो है आउटपुट 1, 1, 1 कहां पे मिला है, अब 1 मिला है कहां पे, 0, 0, 0 पर। तो A0, B0, C0 इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दें तो वाई 0 आएगा। तो
तो जाहिर सी बात है कि इनके कम्प्लीमेंट रहे होंगे या उन्होंने प्रोडक्ट किया होगा। कहने का मतलब है ए बार और बी बार सी बार इन्होंने प्रोडक्ट किया होगा तभी वन आया होगा। ऐसे यहाँ पर जो वन आ रहा है तो उसमें देखिए एक जीरो है, अगर इनको ए बी सी मल्टीप्लाई कर दीजिए जीरो हो जाएगा। इनमें वन तभी आएगा इन तीनों के प्रोडक्ट में जब इसको कम्प्लीमेंटेड कर दें। तो ए वाला जो टर्म है हमारा ये हो जाएगा ए बार अब ए बी सी। इसी तरह से वन आ रहा है यहाँ पर, तो ए वाला टर्म जो है वन है, दोनों जीरो हैं, इनको मल्टीप्लाई हम कम्प्लीमेंटेड कर सकते हैं, यानी ए और बी बार और सी बार। तो इन तीनों टर्म में वन आ रहा है। अब इनको हमें क्या कर देना है, इन तीनों को आपस में ऐड कर दें, प्लस इसमें कर दिया और इसको इसमें कर दिया। तो हमारा इस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है y इज इक्वल टू ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी और प्लस का ए बी बार सी बार। और सारे इनपुट पर आउटपुट जीरो था, केवल इन्हीं इनपुट पर आउटपुट हमको वन मिल रहा है। तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है सबका आपस में, इससे थ्री लिटरल्स हैं यहाँ पे, और थ्री लिटरल्स का प्रोडक्ट है, ए थ्री लिटरल्स का प्रोडक्ट है, ए थ्री लिटरल्स का प्रोडक्ट है। तो ये थ्री टर्म बन गए, तीनों को हमने ऑड कर दिया, यानी आर से हमने ऐड कर दिया। तो हमको उस ट्रुथ टेबल का ए लॉजिक एक्सप्रेशन बन मिला है। अब इसको सिंपली हम लॉजिक सर्किट इसका बना सकते हैं कि यहाँ पर देखिए तीनों को एंडेड करना है, एंडेड करना देन तीनों को ऐड कर देना है। तो आप ऐसा बना लीजिए कि यहाँ पर ए हमने लगा लिए हैं तीन एंड गेट, और तीन एंड गेट लगा लिए, और तीनों एंड गेट को हमने क्या किया, एक आर गेट पे दे दिया जा करके, ए हमने आर गेट बना लिया इसके आगे। अब इस एंड गेट में ए बार बी बार सी बार देना है, तो ए हमने ए दिया और ए के आगे एक नॉट गेट लगा लिया तो ए बार हो गया। इसी तरह बी बार देना है तो ए हमने नॉट गेट लगाया बी के आगे, तो यहाँ से बी बार आए, बी बार हो गया। इसी तरह हमने इसको सी बार दे दिया, ए सी बार दे दिया पहले, यानी दूसरे को ए बार बी सी देना है, तो ए हमारा ए बार हो गया, ए हमारा बी हो गया और ए हमारा सी हो गया। फिर थर्ड को ए बी बार सी बार, तो ये हो गया ए, ए हो गया हमारा बी बार और ए हो गया सी बार। तो जो हमारा लॉजिक सर्किट है उसमें हमने थ्री एंड गेट यूज किए, एंड यूज कर लिया और एक आर यूज कर लिया। अब यहाँ पर ये तीनों आउटपुट पहुँचेंगे, तीनों ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में हम किसी भी एक्सप्रेशन को लॉजिक सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी भी ट्रुथ टेबल को लॉजिक सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक और बात हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कैनोनिकल फॉर्म ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट इक्वेशन, जैसे कि मान लिया कि कैनोनिकल फॉर्म अब यहाँ पे मान लिया कि हमारे पास कोई एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए बी बार प्लस वी सी प्लस ए सी ए बार सी है। अब यहाँ पर देखिए थ्री यहाँ पे हैं वेरिएबल ए बी और सी, लेकिन इसमें सी नहीं है, इसमें ए नहीं है और इसमें बी नहीं है। तो हम हर एक टर्म ऐसा हो जिसमें सभी वेरिएबल हों तब उसको हम कहेंगे कैनोनिकल फॉर्म एक्सप्रेशन की। तो इसके लिए हम देखते हैं इसमें कौन सा वेरिएबल नहीं, इसमें सी नहीं है, तो हम क्या करेंगे ए बी बार और इसमें सी प्लस सी बार, ये तो कर सकते हैं। सी प्लस सी बार क्या है, वन, और वन तो ए बी बार के साथ में है ही है, तो वन को इस फॉर्म में लिख लिया। प्लस यहाँ बी सी, अब इसमें ए नहीं है तो हमने क्या लिख लिया ए प्लस ए बार।
ऐसे ए बार सी, इसमें बी नहीं है तो हमने क्या लिख लिया, ए बार सी, और यहाँ पर लिख दिया बी प्लस बी बार। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो सब में थ्री थ्री टर्म हो जाएंगे कि बाई इज इक्वल टू, पहला हो जाएगा ए बी बार सी, और फिर दूसरा हो जाएगा ए बी बार सी बार, फिर थर्ड टर्म हो जाएगा बी सी ए, फिर हो जाएगा प्लस बी सी ए बार, ए वाला हो जाएगा ए बार सी बी प्लस ए बार सी बी, और प्लस हो जाएगा ए बार सी बी बार। तो सारे टर्म जो हैं सब में थ्री थ्री लिटरल्स हैं, ये हमारा कैनोनिकल फार्म हो गया। अब इस कैनोनिकल फार्म का जब हम लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो बहुत ही इजी और एक सिमिलर मैनर से आएगा, यही हमको फ़ायदा होगा कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन में। दूसरी एक बात ये है कि यहाँ पर हम हर एक टर्म को मिन टर्म कहते हैं। कौन सा टर्म? मिन टर्म। सम ऑफ प्रोडक्ट में हर एक टर्म को हम क्या बोलेंगे? मिन टर्म। ए टर्म है मिन टर्म, ए भी टर्म है मिन टर्म, ए भी मिन टर्म, ए भी मिन टर्म। इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सारे मिन टर्म को, ठीक है। तो जैसे कि हम एक यहाँ पे ट्रुथ टेबल अभी बनाएं, और ट्रुथ टेबल में जो भी नंबर होगा उसके करस्पॉन्डिंग हम मिन टर्म को भी रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम एक ट्रुथ टेबल बना रहे हैं, ए बी सी, और ए हमने मान लिया कि ए वाई है, तो यहाँ पे जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो वन, जीरो वन जीरो, जीरो वन वन, वन जीरो जीरो, वन जीरो वन, वन वन जीरो, वन वन वन। तो यहाँ तक हम ट्रुथ टेबल को लेगा, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन टोटल। हम मान लिया कि यहाँ वन है, जीरो जीरो वन जीरो वन वन जीरो। तो ए वाला जो टर्म है ए एम नाट है, ए एम वन टर्म है, ए एम टू टर्म है, ए एम थ्री टर्म है, ए एम फोर टर्म है, एम फाइव टर्म, एम सिक्स टर्म और ए एम सेवन टर्म, ये सारे मिन टर्म हैं। कौन से टर्म हैं इनको हम कहते हैं? जबकि जब प्रोडक्ट ऑफ सम पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर मैक्स टर्म कहेंगे, इनको मिन टर्म कहते हैं। क्योंकि जो भी जीरो हैं उनके करस्पॉन्डिंग हम अगर वन मिलता है तो उनको कम्प्लीमेंट कर देते हैं, मिनिमम के करस्पॉन्डिंग मिन टर्म हैं। तो यहाँ पर हमारे मिन टर्म ये हो गए, ये हमारी ट्रुथ टेबल हो गई, और इसका हम अगर आउटपुट लिखना चाहें तो हमें यहाँ पर देखिए वन वन मिल रहा है। अगर यहाँ पर वन वन मिल रहा तो ये क्या है? बाई इज इक्वल टू, ब्रैकेट लगाइए आप, और सिग्मा मतलब सबको ऐड कर दीजिए। ये भी हमारा नोमेनक्लेचर है, सिग्मा कहाँ पे? एम नाट, एम नाट के आगे कहाँ मिल रहा है? एम थ्री पे, एम थ्री पे वन मिल रहा है। और कौन सा टर्म ऐड करेंगे? एम फाइव वाला टर्म ऐड करेंगे, और कौन सा? एम सिक्स वाला, एम सिक्स। कभी कभी ऐसे भी आ सकता है कंपटीशन में, केवल सिग्मा लगा देंगे और लिख देंगे जीरो थ्री और फाइव और सिक्स, तब भी वही मतलब है कि ए वाले टर्म आप लिख लीजिए, उनको प्लस कर दीजिए, तो हमारा आउटपुट निकल के आ जाएगा। इस तरह से सम ऑफ प्रोडक्ट एक स्टैंडर्ड मेथड है लॉजिकल एक्सप्रेशन को डिनोट करने का, और उसमें टर्म्स को हम मिन टर्म कहते हैं, उनको स्मॉल एम से इस तरह डिनोट करते हैं। उनका एक कैनोनिकल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड, कि हर एक टर्म में हर एक वेरिएबल जब इंक्लूड होता है। अब हम अगले लेक्चर में अपने प्रोडक्ट ऑफ सम देखेंगे और फिर के मैप को हम करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।